हेलो दोस्तों, आप लोग को मैथ मस्ती में स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज आप लोग के लिए हम क्लास 12 के चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5.5 के प्रैक्टिस लेकर के आए, और आप लोग को प्रैक्टिस कराएंगे तो आप लोग एकदम आप लोग बिंदास जाइएगा और 3 से शुरू कीजिएगा। उसके बाद आप लोग को यानी कि लगभग 10-11 आप लोग को क्वेश्चन एन 3 से लेकर के उतना तक आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरा पूरा देखिएगा, ठीक है। इसमें आप लोग को इसे यानी कि इसको बनाने से पहले आप लोग को कुछ फार्मूला बता देते हैं ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप समझ कि कॉन्सेप्ट है या फॉर्मूला कोई आधार पर, लेकिन अपना दिमाग में बसा लीजिएगा उसको। देखिए, हम पहले लॉग से यानी कि इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक, ठीक है, लघुगणक। और लॉगरिथमिक जो होता है यानी कि उसको लॉग लिखते हैं, ठीक है। और लॉग के सूत्र जो होता है आप लोग को यहां पर m * n हो जाता है, ठीक है। और बेस में ई होता है, देखिए। अब यहां पर इसको हम बात करते हैं तो इंटू में रहेगा ना, तो इसको आप लोग सूत्र में लिखेगा तो प्लस में लिखेगा, ठीक है, प्लस में, ठीक है, प्लस में। या देखिए इसको हटाए लेकिन प्लस में लॉग एम इंटू एन के लॉग एम प्लस लॉग एन, आप पता है कि यहां पर ये होता है, ठीक है। अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, इंटू वाला के प्लस में, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसमें 3 गो फंक्शन मिल जाए, 3 गो, यहाँ पर 2 गो रहेगा तब, आ 3 गो मिल जाए, जैसे m into n into p, ठीक है, m into n into p। अब इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, log m plus log n plus log p, यानी कि इंटू में रहेगा तो उसको प्लस में लॉग हटा हटा करके, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू में रहेगा तो प्लस वाला सूत्र के यूज करेंगे। अगर इस इंटू, अगर इस यानी कि यही लॉग वाला अगर इस प्रकार है m बाई n के रूप में, ठीक है, m बाई n के रूप में, यानी कि इसको हम बोलते हैं डिवाइड, भाग बोलते हैं, ठीक है। तो भाग में रहेगा तो क्या करेंगे, यहां पर देखिएगा लॉग, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा m ऊपर वाला और माइनस में फिर नीचे वाला, नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला, ठीक है। और इतना ही आप लोग ध्यान दें, log m by n के सूत्र क्या होता है, log m माइनस log n, ठीक है। उसके बाद यह 20 में होता है। अब देखिए, अब यहां पर इतना हो क्या, अगर आप लोग को कहीं इतना दे दे, ठीक है, इतना log m प्लस log n, ठीक है। और यहाँ पर यह है जे आप लोग को है। अब देखिए, यहाँ log m प्लस log n, तो इसको अगर हम लोग इसको इंटू में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों में काम आता है बहुत ज्यादा। आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़िएगा, नौवां चैप्टर, उसमें भी आप लोग को काम आएगा। अभी भी हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा, और इंटीग्रेशन में भी बहुत प्रयोग होता है इसका, ठीक है, यूज होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि तीनों अगर प्लस में, ठीक है, तो हम जान जाएंगे log m into n into p, यानी कि तीनों जो होगा से इंटू में होगा log, ठीक है। अब यहां पर ही देखिएगा, अगर माइनस में तो हम जानते हैं कि भाग में है तो m by n, ठीक है। अगर यहां पर इतना दे दे log, ठीक है, अब देखिए यहां 10 है और माइनस log, ठीक है, e पावर 2 है, यानी कि यहाँ पर ही बेस में ये है। अब इसको कहेगा लिखने के लिए तो ध्यान दीजिएगा log, ठीक है। अब इसी को हम सब लिख देते हैं कितना 10/2, ठीक है। अब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 5 log e to the power कितना 5 हो गया, 5 यहाँ बड़ा लिख दीजिए, हो गया। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर इसी को दे देगा log, ठीक है, log, अब यहाँ पर दे देगा 7/3, तो क्या लिखेंगे log, ध्यान दीजिएगा log e, यहाँ पर हो गया बीस में, यहाँ होगा 7 और माइनस log e कितना 3 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर जो ऊपर रहेगा से आ गया, नीचे रहेगा से माइनस में जाएगा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर आप लोग को फॉर्मूला है, इंटू में रहेगा तो प्लस में, फिर इंटू में रहेगा तो सब प्लस में, और वो इंटू में दे देगा वो प्लस में चल जाएगा उधर, ठीक है। अगर वो डिवाइड में बाई में रहेगा तो माइनस में, ठीक है। उसके बाद एक और बताते हैं लॉग, ठीक है। अब यहाँ पर जो रहेगा कि यहाँ पर मान लीजिए m के पावर n, तो कुछ नहीं करना, पावर को आगे पटक देंगे, पटकेंगे आगे चल गया और तब हो जाएगा log m, ठीक है, log m जो है उसको लिख देते हैं पीछे, ठीक है। जो पावर में रहेगा उसको पटक के आगे, ठीक है, पावर में जो रहेगा उसको पटक के आगे, जैसे log, देखिए x के पावर y है ना, तो पावर में क्या है y, इसको पटक किया आगे आ गया। अब इसको क्या करेंगे log x, log x
हो गया log x। इस प्रकार आप लोग को फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड बहुत सारा हम आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे, पहले इसमें आप लोग को चार क्वेश्चन बताना है, ठीक है, इस वीडियो में। और आप लोग जाइएगा, एकदम क्वेश्चन आप लोग से बनेगा, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। मेन आप लोग को यही है, एक दो तीन, और उसके बाद यहाँ पर ही एगो ये वाला है। अब फॉर्मूला के आधार पर समझिए या कॉन्सेप्ट क्लियर कर समझिए, ठीक है। लेकिन आप लोग को एकदम ध्यान में रखना है, एकदम बनाएंगे क्वेश्चन उस समय आप लोग समझिएगा। चलिए अब इसको स्टार्ट करते, इसको मिटा करके क्वेश्चन बनाना स्टार्ट, दो से तीन मिनट में, यानी कि खूब लगेगा तब पांच मिनट में समाप्त। अब देखिए कुछ नहीं करना, क्वेश्चन एक नंबर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स के पावर लॉग एक्स, ठीक है, x के पावर log x। अब यहां पर जो है आप लोग पहले इसको लेट करके बनाए, ठीक है, लेट y बराबर मान लीजिए। अब देखिए कोई भी वेरिएबल के पावर में, ठीक है, अब किस प्रकार बनेगा से समझिए। अगर कोई भी वेरिएबल के पावर में वेरिएबल हो, ठीक है, या कोई त्रिकोणमिति फंक्शन हो, वेरिएबल हो या त्रिकोणमिति फंक्शन हो, तब उसको ना हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लगा करके बनाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लगा करके बनाते हैं। तो अब यहां पर देखिए ये वेरिएबल है, ऊपर में लॉग एक्स है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम सब किस प्रकार बनाएंगे, लॉग लगा करके दोनों तरफ, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर ही, अगर यहां पर दे देगा कि ए एक्स के पावर, ठीक है, थ्री, तो यहां पर ही हो गया ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट हो गया, तो इसको डिफरेंशिएट करना एकदम आसान। पहले पावर के लिखते हैं, ठीक है, ये पावर के लिख दीजिए, एक्स जो है उसको लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब पावर में से एक घटा, तो इसको तो बनाना बहुत इजी है, क्या है, बहुत इजी है। लेकिन अगर इसी पर अगर वेरिएबल दे दिया जाए तो उसको इस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से, जो अभी हम बताएंगे उस प्रकार से, ठीक है। लेकिन अगर कोई वेरिएबल के पावर अगर 5 दे दिया जाए या a दे दिया जाए, a a भी कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, वेरिएबल है, तो क्या करेंगे, पहले वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट के लिखेंगे, ठीक है, ऊपर के पहले पावर, और उसके बाद पावर में से एक घटाकर लिख दिए। लेकिन अगर इस प्रकार अगर वेरिएबल पर वेरिएबल है या कोई त्रिकोणमिति फंक्शन या लॉग है, तब हम उसको इस प्रकार बनाएंगे, अभी बता रहे उस प्रकार। देखिए इस प्रकार बनेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, टेकन लॉग बोथ साइड, टेकन लॉग बोथ साइड, ठीक है। अब लॉग को दोनों तरफ लिए तो इधर भी लॉग लेंगे, ठीक है, और इधर भी लॉग लेंगे, एक्स के पावर लॉग एक्स, ठीक है, एक्स के पावर दोनों तरफ लॉग लिए, यहां वाई था तो लॉग वाई हो गया, फिर यहां लॉग, तो यहां पर जो है उसको यहां लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए लॉग वाई है ना, अब क्या करेंगे, अब देखिए हम कब बताए ना कि जब पावर में होगा उसको पटकिए, तब पटके तो आगे आ गया, ठीक है, लॉग एक्स आया है, ठीक है। अब सब जितना है उसको लिख देना, तो लॉग एक्स ये कहां से आया, लॉग एक्स, तो ये लॉग ये एक्स, ये कहां से आया, लॉग एक्स, तो ये पावर वाला, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे समझिए, अब लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट इधर भी करेंगे लॉग वाई, ठीक है, लॉग वाई इक्वल टू डिफरेंशिएट लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, दो फंक्शन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए लॉग वाई पहले लॉग के डिफरेंशिएट कीजिए, तो वन बाई इसके पीछे वाला, ठीक है, लॉग के डिफरेंशिएट वन बाई उसके पीछे वाला। अब ये वाई के होगा तो वाई के ए पर होगा डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां पर बात करते हैं, ये पहला फंक्शन हो गया, आई हो गया दूसरा, ठीक है, लॉग एक्स और लॉग एक्स, तो दूसरा, तो क्या करेंगे, पहला को छोड़ देंगे, छोड़ दिए, और डिफरेंशिएट दूसरा के, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो वन बाई एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट लॉग आई इसके पीछे वाला, ठीक है। अब आप लोग को पता है कि एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो एक हो गया, प्लस के चिन्ह देंगे,
इसमें पहला को छोड़ दिए डिफरेंशिएट दूसरा के किए, अब क्या करेंगे प्लस के बाद में, अब दूसरा के छोड़ देंगे, दूसरा के छोड़ देंगे, छोड़ दिए और डिफरेंशिएट करेंगे पहला के, तो क्या आ जाएगा पहला के डिफरेंशिएट लॉग एक्स पे क्या आता है, तो लॉग का डिफरेंशिएट होता है 1/2 और उसके पीछे वाला हो गया। अब डिफरेंशिएट ये एक्स के डिफरेंशिएट क्या होता है, तो 8 हो गया। अब क्या करेंगे समझिएगा आप लोग, dy by dx is equal to, यहां पर देखिए ये बाटा में है यानी कि भाग में, तो इनमें आएगा तब गुना में, ठीक है गुना में आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर ध्यान से गुना करेंगे, एक में एक से तो एक, और एक से ए में तो ये हो गया log x और by x ये वाला, प्लस यहां पर देखिए एक में एक से तो फिर एक में एक से तो समझ रहे एक में एक से तो एक आ एक, एक से ए में गुना करेंगे तो log x और by x कौन वाला ई वाला, ठीक है बटा में है। अब यहां बात करते हैं तो क्या हो जाएगा dy by dx is equal to, y का मान क्या है, y बराबर देखिए y बराबर यह है ना, y बराबर तो लिखेंगे x और log x, ठीक है। अब सेम का वो है दो वो है, सेम का वो है दो वो है, तो जब दो वो है तो हम यहां लिख सकते हैं दो वो और log x और by x दो वो है। अब इतना पर भी हम सब लिख सकते हैं आंसर, या इसको दो के आगे लिख करके भी आंसर लिख सकते हैं, हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप लोग बिंदास इतना पर आंसर लिख सकते हैं। और इस टाइप के लॉन्ग के ऑब्जेक्टिव भी हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है एग्जाम के नजदीक जाकर के जितना ऑब्जेक्टिव है आप लोग को क्लियर करा देंगे। चलिए आप लोग इसको स्क्रीन शॉट लीजिए, तब तक के नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलिए आप देखिए तो यहाँ पर दो नंबर क्वेश्चन में आप लोग को क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, दो में आपके सामने है क्या है, देखिए दो नंबर में साइन एक्स के पावर कोस एक्स, ठीक है साइन एक्स के पावर कोस एक्स, तो हम बताए कि लेट करके मतलब मान कर और वाई बराबर इसको मानिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए फिर टेकन लॉग बोथ साइड, ठीक है। अब क्या करेंगे टेकन लॉग बोथ साइड, अब दोनों तरफ हम लॉग लेंगे, तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग क्या है साइन एक्स के पावर कॉस एक्स हो गया, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। अब क्या करेंगे तो लॉग वाई इक्वल टू ये पावर के पटकिए तो आगे आ जाएगा तो कॉस एक्स हो गया। अब ये दोनों जोड़े लिखा जाएगा ये दोनों, तो लॉग साइन एक्स हो गया, साइन एक्स लॉग वाई इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, तो ये पावर इधर आ गया ये लॉग ई वाला दोनों एक्स आ, ठीक है। अब फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा देखिए डिफरेंशिएट लॉग वाई हो गया इक्वल टू डिफरेंशिएट अब किसको करेंगे कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है लॉग साइन एक्स। अब यहां पर आप लोग को लॉग के डिफरेंशिएट क्या होता है, तो एक बटा इसके पीछे एक बटा लॉग के जो रहेगा उसके पीछे वो बटा में जाएगा। अब वाई का डिफरेंस तो क्या हो जाएगा dy by dx। अब देखिए ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। इस प्रकार के आप लोग को फॉर्मूला A to Z अगर मान लीजिए कि आप चैनल पर नए हैं तो जाइए इसमें आप लोग को जितना फॉर्मूला है जितना मतलब नियम है उस पर वीडियो प्रत्येक फॉर्मूला के प्रत्येक वीडियो बनाए हुए उस पर प्रैक्टिस कराए हुए, ठीक है उसको जाकर के एकदम बिंदास जाकर देखिए, ठीक है। आप फॉर्मूला जानना है पूरा वो भी वीडियो डाला हुआ, ठीक है। चलिए आप आगे चलते हैं, ये पहला ये दूसरा, तब पहला के छोड़ दिए कुछ नहीं किए, डिफरेंशिएट करेंगे दूसरा के, ठीक है इसको
तो लॉग के डिफरेंशिएट क्या बता है, ओकरा पीछे वन बटा उसके पीछे वाला, केकरा पीछे वाला, लॉग के पीछे वाला, वो एक बटा में इनटू, फिर देखिए अब लॉग के हो गया ना एक बटा उसके पीछे वाला, अब ना साइन एक्स के, तो साइन एक्स के क्या होता है कॉस एक्स हो गया, अब के करता एक्स के, एक्स के, तो एक्स के क्या होता है तो ए हो गया, अब प्लस प्लस के चेंज दे दिए, अब यहां पर देखिए ए में पहला के जैसे के तैसे छोड़ दिए थे ना, अब ए में दूसरा के जैसे के तैसे छोड़ दिए, और डिफरेंशिएट किसका होगा तब पहला के, देखिए पहला के छोड़ दिए थे डिफरेंशिएट किए थे दूसरा के, तो दूसरा में क्या है तो लॉग है, तो लॉग का डिफरेंशिएट वन बाई उसके पीछे वाला, और फिर अब उसके पीछे वाला के डिफरेंशिएट साइन के कोस एक्स, एक्स के ए हो गया, अब इसमें दूसरा के छोड़ दिए डिफरेंशिएट पहला के, तो कोस के क्या होता है तो माइनस साइन होता है डिफरेंशिएट, ठीक है कोस के डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन, और अब एक्स के, तो एक्स के क्या होता है वन हो गया, अब यहां पर क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, कुछ नहीं करना है इसको, करना क्या है यहां पर हो जाएगा कोस एक्स हो गया कोस एक्स, यहाँ ई से गुना करेंगे ए पर, तो देखिए पहले एक मिनट इधर वन बाई बटा के मतलब भाग में, तो भाग में तो इन्हें आएगा तो गुना में हो गया, अब समझिए यहाँ कोस एक्स के कोस एक्स छोड़ दिए, चाहे आप गुना भी कर सकते हैं कोस से में एक्स, तो कोस एक्स अब बटा में क्या है साइन एक्स हो गया, आ इनटू में फिर यह है वो कोस, तो ये कोस एक्स लिख दिए, अब प्लस अब माइनस देखिए ये साइन के एक्स से गुना करेंगे तो साइन एन हो जाएगा, तो साइन एक्स आ ये वाला हो गया क्या चीज लॉग साइन एक्स हो गया, अब देखिए ध्यान दीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई के मान क्या है वाई के मान, तो वाई के मान यह है देखिए यह क्या है तो साइन एक्स के पावर कॉस एक्स यही ना है देखिए यह हो गया, अब यहां पर क्या करेंगे यहां पर कॉस बटा साइन फॉर्मूला हो जाता है कॉट एक्स हो गया, आ इनटू में ये हो गया कॉस एक्स ठीक है, अब माइनस ये हो गया साइन एक्स ठीक है, उसके बाद हो गया ये लॉग साइन एक्स ये आपका आंसर हो गया ठीक है, अब आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए एकदम एक्सरसाइज आप लोग से बनेगा ठीक है बिंदास बनेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, दिक्कत है प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए। चलिए अब नंबर जो है आप लोग को नंबर क्या है तीन एकदम आराम से दिखेगा, सिंगल सिंगल है ना इसमें एक साथ दो गो है ठीक है, तो एक एक करके आराम से बनाएंगे आप लोग एकदम बिंदास समझिएगा ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें करना क्या है वो आप क्वेश्चन पहले तो एकदम देख लीजिए ध्यान से ठीक है, इसमें फॉर्मूला भी मिटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें दो स्टेप में निकालना पड़ेगा। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर तीन में क्या चीज, देखिए नंबर तीन में दिया हुआ है कि लॉग एक्स के पावर एक्स हो गया और माइनस में कॉस एक्स के पावर एक्स यही ना दिया हुआ है क्वेश्चन ठीक है, क्या दिया हुआ है ए लॉग एक्स के पावर में एक्स और माइनस कॉस एक्स के पावर में एक्स इतना दिया हुआ है। आराम से देखिए पहले तो इसको y बराबर देखिए मानना है हमें तीन टाइम, देखिए पहले इसको y बराबर मान लेंगे ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे u बराबर हम इसको मान लेते हैं log x के पावर में x हो गया, एंड v बराबर मान लेते हैं दूसर का स्टेप के तो cos x के पावर x, मान ली इसको मान लिए भी बराबर इसको मान लिए यू बराबर मान ली, अब क्या करेंगे देखिए यहां ध्यान से वाई बराबर क्या है लॉग एक्स के पावर एक्स और माइनस कॉस एक्स, हम सब साइड में भी लाइन बचा सकते हैं देखिए साइड में इसको बना देते हैं, देखिए क्या करते हैं यहां पर देखिए लॉग एक्स के पावर एक्स को हम सब यू मान लेते हैं ठीक है, एंड ये जो है कॉस एक्स के पावर एक्स जो है उसको हम मान लेते हैं बी
मान लिए, भी मान लिए। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर y बराबर, इसको हम क्या माने हैं से बताइए, तो u बराबर, तो यहाँ u रख दिए, माइनस इसको हम क्या माने हैं, तब भी माने हैं, तो यहाँ भी रख दिए। अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब समझ गए, तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष करेंगे, ठीक है, क्योंकि फंक्शन में एक्स है। अब देखिए इसकल टू ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, माइनस ये हो जाएगा डी भी बटा में डी एक्स, हो गया, y के डी वाई बाई डी एक्स, यू के डी यू बाई डी एक्स, और v के डी भी बाई डी एक्स, हो गया, जो चेन है बीच में उसको ले लिए। अब क्या करेंगे, हम इसको ना उतारेंगे, इसको क्या है u बराबर, ठीक है, ये काम देगा, ये इसी पर हम लोग उसको बैठाएंगे मान के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, u बराबर क्या है, log x के पावर x, हो गया। फिर क्या करेंगे, टेकन log बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। अब यहां पर ही ना log लेंगे दोनों तरफ, तो यहां हो गया log u, ठीक है, फिर यहां लेंगे log और यहां हो जाएगा log x के पावर x, समझिए, इधर भी log ले लिए और इधर भी log ले लिए, बाकी सब सेम है इसमें, ठीक है। अब देखिए log u, अब जो पावर में रहेगा उसी को आगे पटकेंगे, तो x, अब बाकी जो बच गया उसको लिख देंगे log, ठीक है, और log x, ठीक है, लिख दिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और आप लोग को पता है कि क्या लिखना है डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ठीक है, साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट log u, हो गया। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट ये हो जाएगा x log, फिर log x, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब समझिए, ये log के डिफ्रेंशिएट आप लोग को क्या सिखा है कि 1 बाई इसके पीछे वाला, ओके। अब एक का डिफरेंशिएट u के, तो डी यू बाई डी एक्स, हो गया, इसकल टू। अब यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर ही कोई वेरिएबल ना है, तो ये फंक्शन के अंत नहीं हुआ, यहाँ आ गया। अब यहाँ पर वेरिएबल है, यानी कि ई एक हुआ आ ई हो गया दूसरा का, यानी कि पहला ई और दूसरा ई, ठीक है, पहला ई, तो पहला को छोड़ देना है, ठीक है, और डिफरेंशिएट किसका, दूसरा के, तो दूसरा के डिफरेंशिएट क्या होगा, तो लॉग है, तो लॉग का डिफरेंशिएट क्या, तो 1 बाई आप पीछे वाला, तो ये लॉग के पीछे तो लॉग एक्स है, तो बटा में जाएगा लॉग एक्स, सीधे सीधे बात, ठीक है, लॉग के हुआ। आप फिर डिफरेंशिएट के करते, ई लॉग के ना हुआ है 1 बाई उसके पीछे वाला, ठीक है, और ई लॉग के, तो लॉग के डिफरेंशिएट 1 बाई उसके पीछे वाला, हो गया। अब डिफरेंशिएट ई एक्स के, तो 1, हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस के चेन देंगे, ए में क्या किए, पहला के छोड़ दिए डिफरेंशिएट दूसरा के, अब ए में क्या करेंगे, दूसरा के छोड़ दिए और डिफरेंशिएट पहला तो एक से ना है, तो एक्स के डिफरेंशिएट तो एक होता है, ठीक है, एक हो गया। अब देखिए यहां पर डी यू बाई डी एक्स इसकल टू, नहीं 1 बाई मतलब बटा में, तो नहीं भाग में, तो नहीं गुना में, ठीक है, गुना में आ गया। अब ई एक्स से एक्स कट गया, तो क्या बचेगा, एक में एक से तो एक, और फेरों में एक से तो एक बटा लॉग एक्स, हो गया। अब प्लस यहाँ क्या बचेगा, बस उतना जितना है उतना ही लॉग, फिर लॉग एक्स, ठीक है, इतना बच गया। अब क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स इसकल टू, यू का मान कितना है, यू का तो देखिए यू बराबर इतना है, ये सब तो यहां लिख देंगे, लॉग एक्स के पावर एक्स, लॉग एक्स के पावर एक्स, अगर एलसीएम लेना है तो लीजिएगा, अन्य इतने पर छोड़ दीजिए बिंदास, नो टेंशन, प्लस में, फिर यहां हो जाएगा लॉग और फिर लॉग एक्स, ठीक है, ये आपका ए वो निकल गया है, ठीक है, एक पार्ट के आंसर निकल गया है। अब आप लोग को नेक्स्ट पार्ट के निकालेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए अब इसमें जो है आप लोग को
इसमें आप लोग को नेक्स्ट पार्ट यानी भी बराबर यू बराबर निकालेंगे आप भी बराबर निकालेंगे। तो भी बराबर यहां दिया हुआ क्या है, भी बराबर यही है चाहे इसको मान लीजिए, तो क्या है कॉस एक्स के पावर एक्स हो गया, कॉस एक्स के पावर एक्स। तो यहां पर आप लोग को फिर वही हाल है, टेकन लॉग लॉग बोथ साइड ठीक है, टेकन लॉग बोथ साइड ध्यान दीजिएगा आप लोग, टेकन लॉग बोथ साइड। तो यहां हो जाएगा लॉग भी इक्वल टू लॉग कॉस एक्स के पावर एक्स, कॉस एक्स के पावर एक्स इसको लिखे हैं, लॉग तो दोनों तरफ लेना है। अब क्या करेंगे, लॉग भी इक्वल टू पहले हम कहें ना पावर में जो होगा उसको पटकना है आगे, तो ये पटक दिए और लॉग अब जे है उसको लिख दीजिए, तो लॉग कॉस एक्स हो गया। अब यहां पर इसको यहां से डिफरेंशिएट कर देना है, क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे किसको करना है, तो इधर वाला लॉग भी है, क्या है लॉग भी है। अब डिफरेंशिएट देखिए एक्स और लॉग क्या है कॉस एक्स, यही ना इसको, ठीक है इसको लिखे हैं। अब यहां पर जो है आप लोग को पता है कि लॉग का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो वन बाई इसके पीछे वाला, ठीक है हमेशा फॉर्मूला याद करें लॉग के ऊपर पीछे जो रहेगा सब बटा में जाएगा। अब देखिए अब डिफरेंशिएट भी के, तो क्या आ जाएगा डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये पहला हो गया क्योंकि एकर जो है लास्ट यानी कि एंगल वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल यहाँ है यानी कि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है तो ये पहला हो गया ये दूसरा हो गया, तो पहला के छोड़िए आ डिफरेंशिएट दूसरा के, तो दूसरा में पहले लॉग है तो लॉग के डिफरेंशिएट क्या होता है वन बाय ओकर पीछे वाला, तो पीछे कौन है लॉग के, तो कॉस एक्स है तो कॉस एक्स आ गया। अब लॉग के हुआ अब कॉस एक्स के, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, तो कॉस के माइनस साइन एक्स, साइन एक्स समझ गए, लॉग के डिफरेंस वन बाई आज ऊपर पीछे ऐसे चल जाएगा। अब कॉस के तो कॉस के माइनस साइन एक्स, अब फिर ये अब एक्स के तो एक्स के एक हो गया, अब प्लस के चेंज दे दिए। अब क्या हो जाएगा, अब ना पहला के छोड़े थे डिफरेंशिएट दूसरा के किए थे, ठीक है अब इसमें ना दूसरा के छोड़ दिए और डिफरेंशिएट किसका था पहला के, था पहला एक्स है तो एक्स का डिफरेंशिएट एक है, ठीक है एक है ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। अब यहां पर जो है आप लोग को क्या हो जाएगा वन बाई ए, देखिए अब इन वन बाई भी मान बटा में है तो इन कारी हो जाएगा क्या चीज, बटा माने भाग तो इन गुना में, ठीक है तो इन्हें हो जाएगा डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए भी आ गया, ठीक है अब इधर क्या बच जाएगा ध्यान दीजिएगा ई माइनस आगे चल जाएगा एक्स, ठीक है अब ई से जब ए पर गुना कीजिएगा तो साइन आ जाएगा ऊपर, साइन आ बटा कोस तो होता है टेन, ठीक है टेन एक्स हो गया। अब प्लस में ई हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, क्योंकि एक्स से गुना कीजिएगा तो जो है वही हो जाएगा, ठीक है अब इतना आ गया। अगर आप चाहिएगा तो इसको सीधा करके पलट कर लिख सकते हैं डी भी अब बटा में डी एक्स इक्वल टू, ये भी के मान कितना है, भी के मान ध्यान दीजिए भी का मान यह देखिए भी बराबर यह है ना, तो भी बराबर यह है तो क्या है, तो कॉस एक्स के पावर एक्स, ठीक है कॉस एक्स के पावर एक्स हो गया। अब यहां पर इसको सीधा करके लिख सकते हैं इधर प्लस वाला के आगे ले आइए तो लॉग कॉस एक्स, ठीक है और ई माइनस में है तो माइनस एक्स टेन एक्स, ठीक है टेन एक्स। यहां पर आप लोग को दूसरका के आंसर रेडी हो गया, ठीक है दूसरका के। अब ये दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, किस प्रकार ऐड करेंगे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है नाउ करेंगे, नाउ करके कौन वाला उतारेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये वाला, तो क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या डी यू बाई डी एक्स माइनस डी भी बाई डी एक्स। अब ये दोनों के मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब पहले डी यू बाई डी एक्स है डी यू बाई डी एक्स है, तो डी यू बाई डी एक्स के मान हिया है देख लीजिए
यह है ना, तो यहां पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, log log x के पावर x, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट में है वन बाई log x और प्लस में log इंटू log x। अब एकदम आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है, देखिए यही ना है, यहां मान रख दिए, इसका मान रख दिए, अब क्या करेंगे, माइनस के चिन्ह है, माइनस रख देंगे, अब यहाँ डी भी बटा डी एक्स है, तो इसका मान जो है आप लोग को यहाँ सामने में है, ठीक है, सामने में है, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसका मान रख देंगे कॉस एक्स के पावर एक्स एक्स, और उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ यहाँ पर देखिए लॉग लॉग कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को दिखाई देता है कि ना, से ध्यान दीजिएगा, नहीं दिखाई देगा cos x के बाद, तो यहाँ पर देखिए माइनस के चेन इधर 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 माइनस के चेन x tan x, ठीक है, tan x, ये आपका आंसर हो गया। बस इसी प्रकार सेटिंग कर देना, ये दोनों का मान यहाँ निकाल दिए, यहाँ निकाल दिए, अब दोनों के मान के सेटिंग कर देंगे जैसे है, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका पांच नंबर का है, ठीक है, और पांच नंबर के पांच नंबर जैसा ही बनाइएगा, एकदम शॉर्टकट में भागना नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और है, आप लोग को हम बता देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसको मिटा करके, चलिए अगर आप लोग को दिक्कत होता होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम आप लोग को, और एकदम दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप ट्राई कीजिएगा अपने से, और ट्राई करने के बाद हम भी आप लोग को क्वेश्चन एक दो और बताएंगे, तो आप लोग एकदम बिंदास आप लोग बना सकते हैं, अपने आसानी से बनाइएगा, खुद से बनाइएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होना है, थोड़ा सा आप लोग मेहनत आप खुद से कीजिए, आप अपने से बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन है नंबर चार में क्या दिया हुआ है, x के पावर साइन x, ठीक है, x के पावर साइन x और प्लस टू टू के पावर में cos x, इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको y बराबर मान लेंगे, तीनों के मान लेंगे x साथ, ठीक है, अब y बराबर यहां पर आप लोग को लिख भी देते हैं कि इसको u बराबर मान लीजिए x के पावर साइन x के, ठीक है, और प्लस यहाँ प्लस नहीं एंड करके यहाँ पर आप लोग को v बराबर जो हो गया टू आपके पावर में cos x, टू के पावर में cos x, यहाँ पर टू के पावर में क्या हो जाएगा cos x, ये हो गया आप लोग को v बराबर, ठीक है, अब यहाँ पर y बराबर देखिए ध्यान से, इसका मान जो है यहाँ पर ये क्या है पावर में, यानी कि u के मान यहाँ पर है इतना, यानी इसके जगह पर u को बैठा देंगे, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखिए इसके जगह पर इसको बैठा देंगे भी, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स स्कल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स, इसको u वाला के, ठीक है, अब प्लस के चिन्ह है तो प्लस के भी के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी भी बाई में डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर यही मान आप लोग को नाव करके यही वाला के पुट करते हैं, ठीक है, नाव करके इसी को पुट करते हैं, अब देखिए हम पहले u बराबर के लेते हैं, ठीक है, u बराबर, ठीक है, तो u बराबर क्या है x के पावर साइन x है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर टेकन, ठीक है, और आप लोग ध्यान दीजिएगा ये पांच नंबर के क्वेश्चन है, पांच नंबर लाइक ही आप लोग को देना है जवाब, टेकन लॉग both side, ठीक है, side, अब log लेंगे दोनों तरफ तो log u हो गया इक्वल टू log x के पावर साइन x, देखिए ये वाला इधर, ठीक है, ये वाला log दोनों तरफ ले लिए log, अब क्या करेंगे log u इक्वल टू, अब यहां पर क्या है ना पावर में जे होगा उसको आगे पलट देना है, यानी कि उलट देना है, तो साइन x हो गया साइन एक्स, उसके बाद क्या हो जाएगा लॉग लॉग एक्स बच जाएगा, तो यहाँ लॉग एक्स हो गया, ये पावर है तो उसको आगे पटक दिए, ठीक है, और ध्यान दीजिए अब यहाँ पर ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप लोग भी लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, अब यहाँ पर जो है अब इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो लॉग यू इक्वल टू डिफ्रेंशिएट क्या है साइन एक्स इंटू लॉग एक्स हो गया लॉग एक्स, ठीक है, अब यहां पर देखिए लॉग के डिफ्रेंशिएट क्या आता है तो वन बाई उसके पीछे वाला, तो यू है पीछे तो बटा में यू जाएगा,
अब यहां पर देखिए, अब यूके, यूके क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स हो गया स्कल, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, हो गया। तब पहला के छोड़ देना है, पहला के छोड़ देना है और डिफरेंशिएट दूसरा के करना है, दूसरा के कर, इसको दूसरा, तो लॉग और एक्स के डिफरेंशिएट वन बाई इसके पीछे वाला, ठीक है, और एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है वन, हो गया। प्लस के चेंज देंगे, प्लस के क्या किए, पहलुकवा के छोड़ दिए डिफरेंशिएट दूसरा के किए थे, और क्या करेंगे दूसरा के छोड़ देंगे, दूसरा के छोड़ देंगे और डिफरेंशिएट पहलुकवा के करेंगे, ठीक है। तो साइन के क्या आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। आप लोग जाकर के अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, आप लोग को टोटल ए टू जेड मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अब इसमें जो है डी यू बाई डी एक्स इसकल टू इसमें यहां बाटा वन बाई, ठीक है, वन बाई है, तो वन बाई जो है आप लोग को U, तो बटा के मतलब भाग होता है, तो इन आ गया था गुना में, ठीक है, गुना में आप लोग को यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स, एक्स गुना करेंगे में तक बटा में एक्स प्लस, अब यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एक्स के आगे कर दीजिए ई वाला के और इसको पीछे कर दीजिए, कर दिए। अब देखिए अगर आप चाहेंगे डी यू अब बटा में डी एक्स स्कल टू यू का मान कितना है, तो यह है यू का मान है ना, तो x के पावर क्या हो जाएगा साइन x, हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे इससे a में गुना करते हैं, ठीक है, तो ये वाला जैसे कहते हैं इसे लिखा गया, लिखा गया। अब प्लस में जब इससे गुना कीजिएगा तो x, ठीक है, और तब cos x और log x, हो गया। और जो बटा में है उसको रख दीजिए, यह हो गया, इससे गुना किए तब यही आएगा एक्स बढ़ा, आप लोग को डी यू बटा डी एक्स के मान निकल गया। अब रह गया बात भी के मान निकालने के लिए, भी के मान भी बराबर हिया दिया हुआ आप लोग को टू के पावर कॉस एक्स, ठीक है, टू के पावर कॉस एक्स। हम जानते हैं कि इसको शॉर्ट तरीका भी होता है निकालने का, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हम बता देंगे आप लोग को। देखिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव लाइक बताएंगे, आप लोग को टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए अब यहां पर फिर टेकन टेकन लॉग बोथ साइड, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, लॉग भी स्कल टू लॉग इधर भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा टू के पावर कॉस एक्स, हो गया। अब लॉग भी स्कल टू पहले जो पावर में होता है उसको पटकिए आगे, तो कॉस एक्स हमेशा पावर वाला क्या आ गया, तो लॉग टू, ठीक है, लॉग टू हो गया। अब डिफरेंशिएट आप लोग समझते हैं क्या लिखना, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे यहां पर एक्स के सापेक्ष किसको, तो लॉग भी के, ठीक है, इसकल टू फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसको, तो इधर वाला की सबके, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स और लॉग टू, यही ना। अब क्या आ जाएगा समझिए, लॉग के डिफरेंशिएट वन बाई भी होता है, मतलब उसके पीछे वाला जो रहेगा वो बटा में जाएगा और डिफरेंशिएट भी बटा में डी एक्स इसकल टू भी का डिफरेंशिएट डी वी बाई डी एक्स। अभी पहला हो गया ये दूसरा हो गया क्योंकि ही इसको वेरिएबल मिल गया, स्टॉप हो जाएगा, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन। अब यहां पर ये पहला के छोड़ देना है, पहला के छोड़ देना है, डिफरेंशिएट किसको करना है, तो दूसरा, तो दूसरा के लॉग है, तो लॉग के क्या है, तो वन बाई उसके पीछे वाला, वन बाई उसके पीछे एक बटा पीछे वाला। अब पीछे वाला के डिफरेंशिएट तो दो तो कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के डिफरेंशिएट जीरो प्लस प्लस दे दिए, इसमें पहला को छोड़ दिए जैसे के तैसे, ठीक है, इसमें दूसरा के छोड़ देंगे जैसे के तैसे, लॉग टू हो गया, लॉग टू। अब इसमें डिफरेंशिएट किसका होगा, तो इसका पहला के, तो कॉस के क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब यहां पर क्या हो जाएगा इन्हें वन बाई, बाई माने बटा, बटा के मतलब भाग होता है, तो इन्हें भाग में, तो इन्हें हो जाएगा क्या चीज में, गुना में, तो डी वी बाई डी एक्स गुना में हो गया, ये क्या चीज में हो गया गुना में। अब देखिए जीरो से जब गुना होगा तो ये सब जीरो हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए इसको आगे लाते हैं, तो साइन एक्स और लॉग टू, लॉग टू हो गया, क्या हो गया लॉग टू हो गया।
अब उसके बाद हम बताते हैं कि डी भी बाई डी एक्स इक्वल टू बी के मान कितना है, बी के मान सभी के बाद आप लोग को ऊपर दिखाई दे रहा है, यह है ना कि 2 के पावर cos x हो गया। और उसके बाद यहां हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस में साइन एक्स और लॉग 2, ठीक है। अब एक बात और हम बताए थे आप लोग को कि लॉग ये वाला पावर के जब पटकते इधर, तो इधर का ये पटकल का चिचकेगा माथों पर, तो लिख सकते हैं कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, देखिए डी भी बटा डी एक्स इसका माइनस के आगे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर टू आ कॉस एक्स लिख दिए, अब ई वाला जो पावर वाला है साइन एक्स, जब पावर पर है तो उसको पटक के आगे ला सकते, तो कभी प्यार से रो तो बैठा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा log 2 के पावर साइन एक्स, ठीक है साइन एक्स, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसका एक और है, माइनस लेकर जाएंगे तो पावर माइनस में जाएगा, उसको हम बटा में लिख सकते हैं, उससे कोई टेंशन नहीं है। इतने पर आप लोग बैठा सकते हैं, अगर इच्छा है कि इतना ही पर रख दे, ईमान रख करके कोई टेंशन नहीं। अब आप लोग को नाउ करके यहाँ पर वैल्यू को बैठा देना है, ठीक है, जिस प्रकार नेक्स्ट पहले वाला क्वेश्चन में बैठाए थे उसी प्रकार, ठीक है। चलिए अब जो है आप लोग इसको यहाँ तक के बैठाना है, यानी हम भी बैठा दे या आप लोग करके लाइएगा, ठीक है। आप लोग से एकदम बन जाना चाहिए क्वेश्चन, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा, हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज खुद बनाइए, आप लोग को एक दो बच गया कल प्रैक्टिस कराएंगे उसको, यानी कि प्रैक्टिस कहिए या एक्सरसाइज जैसे कहिएगा उस प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना इस समय। चलिए अब यहाँ पर ही नाउ करके यहाँ पर ही नोट कर देना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको नोट करना है। देखिए यहाँ पर ही खत्म, अब यहाँ पर लिख दिए नाउ, समझिए कि इसके नीचे से स्टार्ट है, किसके नीचे से, इसके नीचे से। अब यहाँ पर डी वाई बटा में डी एक्स हो गया इक्वल टू, इसका मान बताइए, इसका मान du by dx के, तो यह क्या एक्स के पावर में साइन एक्स हो गया, उसके बाद साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स और लॉग एक्स बटा में एक्स, ये हो गया आपका किसका मान डी यू बाई डी एक्स के, यहां तक देख लीजिए, यहां पर हो गया प्लस के चेन प्लस दे दिए, ठीक है। अब इसका मान डी वी बाई डी एक्स के मान, तो क्या डी वी बाई डी एक्स के मान माइनस में, तो ये माइनस आई प्लस, क्या हो जाएगा माइनस हो गया, यहाँ प्लस था यह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2 के पावर cos x और यहाँ हो गया log फिर 2 के पावर sin x हो गया, यहाँ पर यही आंसर हो गया आप लोग, ठीक है। आंसर बहुत सारा होता है, आप लोग एकदम डिफ्रेंसिएशन के नियम है कि आप डिफ्रेंसिएशन खत्म कर दिए तो वहां पर आंसर हो जाता है, लेकिन उसका हल खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, वहां से आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब जो है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं।